जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस पीपल, फॉर यू आई थिंक आपने आपको अपनी मनी में फोकस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मनी मनी मुझे दिखाई दे रही है, और मे बी कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, और ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम गेटिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू नो कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, इट्स अबाउट दैट, या कुछ ना कुछ ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, दे आर वर्किंग, दे लाइक वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं टू वर्क दिस रिलेशनशिप, और हार्ड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनको शायद रियलाइजेशन है कि कहीं ये रिलेशनशिप को लूज ना कर दें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कोई नई बिगनिंग चाहता है, कोई रीस्टार्ट चाहता है, और आने वाली एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है। लाइक इस चीज़ को हो सकता है कि अभी टाइम लगे। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर, देखिए आई एम गेटिंग टू स्टोरीज, हो सकता है ये जो पर्सन है अपने आप को बिजी कर रहे हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी किया हुआ है। और ऑल दो आप भी यू नो आप भी स्टक हैं, आप भी अपने आप को लाइक कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो पर्सन है, आई एम लाइक हैविंग स्टिल अ लिटिल डाउट, लाइक ये पर्सन शायद हो सकता है कि न्यू बिगनिंग चाहते हो, कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहता हो फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, और स्टेबिलिटी यू नो, लेकिन होपलेसनेस मुझे नज़र आ रही है, लाइक रिजिस्ट कर रहा हो कोई, इट्स अबाउट ईगो क्लैशेज, मे बी सम अदर पर्सन इज ऑल्सो देयर, कोई बीच में आ रहा है। मुझे आप लोगों के कनेक्शन में ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली लाइक एक अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, और यू स्टिल गेट टुगेदर, लेकिन बीच में आप लोगों के कोई ना कोई डेफिनेटली ज़रूर है, जिसकी वजह से लाइक यू बोथ फील शैटर्ड, और आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, लेकिन स्टिल ट्राइंग एंड फोकसिंग ऑन मनी ऑल्सो, और घर में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन बैलेंस। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस पीपल के लिए। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज इट्स अबाउट आप फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा अपनी विक्ट्री को लेके, सक्सेस को लेके, यस, अचीव करना चाहते हैं, पब्लिक आई में आना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू आर डिटरमाइंड, और यस यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, प्रे कर रहे हैं दैट थिंग्स आर लाइक यू नो कमिंग ट्रू फॉर यू, चेंज इस हेडिंग मनी इज़ कमिंग। मनी वाइज मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, और आप बस फोकस्ड रहिए और जो कर रहे हैं वो करते जाइए, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो लाइक आपके जो एंजल्स हैं वो आपके अराउंड है। इट्स अबाउट रियलाइजेशन, यू नीड टू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहती है आपकी, अगर आप किसी पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस, धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देन वी हैव आप लोगों के, हो सकता है लाइफ में थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, लव लाइफ में चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट चल रही है, लेकिन यू शुड बिलीव इन दिस एनर्जी, एंजल्स आपके राउंड हैं, आपको सही पाथ पे लेके जा रहे हैं,
और आपको यही फॉलो करना चाहिए। एंड धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं, वो जो मिसिंग चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, यू नो, वो धीरे धीरे वो पज़ल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इट्स अबाउट लाइक बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, बहुत कुछ। जस्ट ओपन अप योर हार्ट स्पेस। और कभी कभी आई थिंक यू मिस लाइक आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैं कहूँगी कि जस्ट लीव, सरेंडर कीजिए एवरीथिंग टू द डिवाइन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।